शिवपुरी कोतवाली निरीक्षक विनय यादव को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर रातौरा चौराहे पर खड़े हैं, जो अवैध हथियारों की तस्करी करने की फिराक में हैं। थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा सूचना पर तुरंत एक्शन लेते हुए सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर निर्देश प्राप्त कर एक पुलिस टीम बनाकर मुखबिर के बताए स्थान रातौर चौराहे पर पहुंचे। पुलिस टीम द्वारा रातौर चौराहे पर पहुंचकर देखा, मुखबिर के बताए होलिये के चार व्यक्ति दिखे, जो पुलिस को आता देख भागने लगे। उक्त व्यक्तियों को हमराहा फोर्स की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा और उनकी तलाशी ली। तलाशी में उक्त आरोपी गढ़ों के कब्जे से अवैध हथियार, 6 पिस्टल, 6 315 बोर के देशी कट्टे, 1 रिवॉल्वर व 2 राउंड पिस्टल के 22 राउंड 315 बोर कट्टे के 2 राउंड रिवॉल्वर के कुल 13 अवैध हथियार एवं 26 जिंदा राउंड जब्त कर आरोपी गढ़ों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त आरोपियों के विरुद्ध पुलिस थाना कोतवाली में आयुक्त अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीकृत किया जाकर विवेचना में लिया गया। सर, अवैध हथियार पकड़े हैं, कुछ दिन पहले खनिया थाना में भी काफ़ी मात्रा में हथियार पकड़े गए थे, लगातार ये दूसरी कार्रवाई है, चुनाव की वजह से हो रही है, इस तरह का कारोबार यहाँ चलता रहता है। ये जो है कार्रवाई की नहीं कर सकती कि चुनाव के कारण हो रहा है या किस कारण, लेकिन जो हमें सूचना मिलती है उस हिसाब से कार्रवाई की जाती है। और हमें सूचना मिली है, उसकी सख्ती भी की गई है, चुनाव दृष्टिकोण भी आप कर सकते हैं, उसके कारण सख्ती भी की गई है, बॉर्डर चेकिंग भी लगाई गई है, सूचनाओं का जो है उस पर इंफॉर्मेशन तंत्र को मजबूत किया गया है। और ये हो सकता है कि कहीं दूसरे जिले में जाती है, उसको हमने बीच में पकड़ा है और इससे जो है ये हथियार और कारतूस बरामद। कितने आरोपी हैं और इन पर पहले से कोई केस है इस तरह? ये 4 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और इनमें एक आरोपी के खिलाफ अपराध कई अपराध दर्ज हैं। तो शिवपुरी में रेत का अवैध गिरफ्तार हो रहा है और जो खासतौर से